हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेकअप का पार्ट थर्ड, बिगिनर मेकअप पार्ट थर्ड। उससे पहले मैं दो पार्ट शेयर कर चुकी हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे और क्या बताया है। आज हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे जिसमें आप देखेंगे कैसे प्रॉपर कंसीलर और कैसे प्रॉपर फाउंडेशन लगाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगी, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ को सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, पहले हम लोग कंसीलिंग करेंगे। मैंने आपको पहले ही कंसीलिंग और बता चुकी हूँ कि कंसीलर आपको कैसे अप्लाई करना है अपनी आईज़ पर, अपने फेस पर। बट आज मैं आपको प्रॉपर कंसीलिंग और प्रॉपर फाउंडेशन बताने जा रही हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टेप्स ये है कि हमें मेकअप प्राइमर हमने कर लिया था, कंसीलिंग मैंने आपको बता दी थी, मैं दोबारा आपको कंसीलिंग बता रही हूँ और फाउंडेशन की हमने इसके बाद कंसीलर और फाउंडेशन अप्लाई कैसे करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए फ्रेंड्स हमें ये चाहिए बैंड। अब अगर कहें बैंड का क्या, तो हम लोग कभी भी किसी का भी मेकअप करें तो हमेशा हमें अपने पहले फेस को इस तरह फोरहेड को कवर करना है। बिकॉज इसको कवर करने का मतलब ये कि आपका जो फाउंडेशन है आपका वो सब बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। तो पहले हम इसको लगाएंगे। अच्छे से पूरे बालों को पीछे कर लीजिए आपका, क्योंकि अच्छे से आपका ये फाउंडेशन है वो लग सके। आप देख चुके हैं हमारा जो बैंड है वो बहुत अच्छे से लग चुका है। तो अभी हम इसको पहले कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर मैं आपको पहले ही बता चुकी कि लिक्विड फॉर्म और बेस फॉर्म में होता है। आपको जो भी आपके पास है, मैंने अभी आपको लिक्विड फॉर्म में खरीदने के लिए बोला था क्योंकि वो थोड़े रेंज होती है, उनकी सस्ती आती है। तो ताकि हमें कभी फिलहाल प्रैक्टिस करनी है तो ज़्यादा मेकअप पे अपने पैसे, प्रोडक्ट पे पैसे बर्बाद ना करें, पहले हल्के खरीदें देन उसके बाद अप्लाई करें। तो चलिए अभी हम लोग कंसीलर शुरू करते हैं लगाना। भी आप अपने आईज़ पे एरिया को जब भी लगाओ आप इस तरह लगा लीजिए, और लिक्विड है तो भी वो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो पूरे फेस पे, आँखों के आसपास। ध्यान रहे बिल्कुल भी ब्लैक स्पॉट ज़रा भी ना रहे, आप इसको अच्छे से करिए। हमारा आई आँख के पास लग चुका है। अभी हम इस स्पंज की मदद से अपना कंसीलर सेट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कंसीलर कभी भी ब्रश से नहीं रगड़ना है, ना ही स्पंज से रगड़ना, हमेशा टैप करना है। तो अभी अभी इसको टैप करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जो कंसीलर बिल्कुल भी डार्क स्पॉट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और हमारा कंसीलर एक एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से सेट हो गया है। उसी तरह अभी आप फेस पर कंसीलर कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया था नोज़ के पास जो हमारा एरिया है इस पर आपको कंसीलर ज़रूर लगाना है। उसके बाद हमारा जो लिप्स का कॉर्नर है इस पर लगाना है, एंड इसके हमारे फेस पर कुछ निशान है तो आप लगाइए। अगर फेस बहुत डार्क है तो लगाइए, अगर फेस डार्क है तो आपको कंसीलर कैसे लगानी होगी वो भी आपको इस तरह अप्लाई करनी होगी। अगर आपका आप किसी का मेकअप कर रहे हो, अगर आपको ध्यान रखना होगा फेस का कलर डार्क है तो आपको पूरे फेस पे कंसीलर की नीड है। तो आप इस तरह ईजिली आप कंसीलर अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए अभी कंसीलर को हम लोग फिर से टैप करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कंसीलर कितनी अच्छे से अप्लाई हो चुका है, बिल्कुल भी आपको कहीं भी स्पॉट नज़र नहीं आएगा, पूरा फेस कितना क्लियर लग रहा है।
तो फ्रेंड्स आपको इस तरह ही कंसीलर यूज़ करनी है पूरे फेस पे। अगर आपको लगता है कि निशान ज़्यादा है या डार्क है तो आपको पूरे फेस पे करना है, अदरवाइज स्पॉट्स कम है तो आपको तरीके से उसको स्पॉट्स पे करना है, नहीं तो सिर्फ खाली लिप्स के कॉर्नर, नोज़ का कॉर्नर, अपना आई एरिया। तो फ्रेंड्स ये कंसीलिंग हमारी यहीं ख़त्म होती है, उसी तरह आप नेक पे कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फाउंडेशन। आपको कंसीलर करने से पहले ये सोचना आपको फेस पर फाउंडेशन लगा कर फेस को सेट करना है या आईज़ को सेट करना है, तो आपके जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। तो आज हम लोग फाउंडेशन लगाएंगे, अपना फेस को कवर करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। अब फाउंडेशन में आपको पहली बात आ चुकी है अपने फेस का को कैसे मैच करना है। तो अभी हम लोग फाउंडेशन, आप जो भी आपके कलर मैच होता है आप अपने यहाँ पर यूज़ कीजिए। तीनों शेड लगाइए जो आपकी स्किन पर मैच होता है, जो आपकी स्किन से एक शेड लाइट है आपको वही फाउंडेशन अप्लाई करना है। ये आपको तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, कैसे वो समझ में आएगा, कैसे आपको चॉइस करना है, कैसे आपको चॉइस करना है कि आपका फाउंडेशन कौन सा आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। पूरे स्पॉट्स पे हमें, फेस पे हमें स्पॉट बनाने हैं। हमें लिप्स पे फाउंडेशन करना है, याद रखिए लिप्स पे फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा रखा है। तो चलिए अभी इसको हम लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आपको एक ब्रश की नीड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको पूरा जो आपका बेस रहेगा, जो भी फाउंडेशन रहेगा, आपको ब्रश अप्लाई करना है। ऐसे आपको नेक पे लगाकर नेक पे पूरा करना है। हमेशा याद रखना नोज पे आपको हमेशा किस तरह फाउंडेशन करना, इस तरह। ब्रश करने के बाद आपको स्पंज की मदद से इसको पूरा टैप कर देना है, इसको एकदम सेट हो जाएगा। क्योंकि ब्रश से कई बार लाइंस बन जाती हैं, तो हमें स्पंज से ही आपका जो भी बेस है पूरी तरह सेट हो जाएगा, जो लाइंस है वो बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना इजी है फाउंडेशन और कंसीलर लगाना। आप फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर। अगर हम लोग मेकअप कर रहे हैं पार्टी के लिए तो मैं आपको यही करूँगी, आप लूज पाउडर लगाइए। एंड मैं एक वीडियो भी निकाला जिससे मैंने आपको बताया कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर में क्या बेस्ट है और क्यों और किस लिए यूज़ किया जाता है दोनों का। तो मैं यहाँ पर लूज पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लूज पाउडर है और इसको लगाने का एक तरीका होता है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये सेट नहीं होता, ये पाउडर फॉर्म में आता है इस तरह। और आपको ये लेना कैसे है, इस तरह लिटाकर आपको इस तरह लेके पूरे फेस पे नहीं रगड़ना है, सिर्फ इस तरह। एंड ये फिर ये लिया, ये आपको पूरा पाउडर ये इस तरह ही लेना है, जो हमारे फेस पे ब्राइटनेस, हमारे फेस को चार चांद लगाने में पूरी मदद करेगा। एंड फेस पाउडर की, इस पाउडर की वजह से ही, लूज पाउडर की वजह से आपका मेकअप काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, स्वेटिंग जल्दी नहीं होता,
और आपका फेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह कभी भी ब्रश लेके यूँ नहीं रगड़ना, सिर्फ इस तरह लिटाना है आपको ये, और इस तरह। फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा आज का यहीं ख़त्म होता है। आज मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको सेट करना है, कि आपको लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट कैसे आपको लगाना है, किस तरह आपको कंसीलिंग करनी है और किस तरह आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको आई शेडो कैसे लगाना है। पहले हम आई शेडो लगाते हैं, उसके बाद हम आई लाइनर आई मस्कारा यूज़ करते हैं, देन काजल लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आई शेडो कैसे अप्लाई किया जाता है। तब तक एक हफ्ते के में आप ये पूरी अच्छे से कोशिश करिए आपको कैसे कंसीलर लगाने, कंसीलर से याद रखना कहीं ऐसा ना हो आधी जगह यहाँ और आधी जगह यहाँ, कंसीलर पूरे बराबर लगना चाहिए, कहीं भी डार्क पैचेस नहीं रहने चाहिए। तो अपने कंसीलर लगाइए, देन उसके बाद अपना फाउंडेशन लगाइए, एंड फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाइए। अभी आप कॉम्पैक्ट मत लीजिए, अभी आप कोई भी लूज पाउडर मत लीजिए, कोई भी कॉम्पैक्ट ले लीजिए आराम से। कॉम्पैक्ट को ही ब्रश की मदद से उसे इस तरह लगाने की कोशिश करें, इस तरह इसको लेके नहीं लगाएं कि आप ये ले रहे हो लगाएं, नहीं, इसको लिटाना है, देन इसे प्रेस करना है, ऐसे ही लगाना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आए हो। ये मेरा पार्ट थर्ड है, मैं दो पार्ट निकाल चुकी हूँ। अगर आपको और भी आगे देखना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन जिनको ज़रूरत है उनको ही भेजिए। मैं आपको बिल्कुल पार्लर जैसे सैलून जैसा घर बैठे बैठे आपको एक एक स्टेप सिखा रही हूँ फ्रेंड, कि किस तरह क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए, किस तरह क्या क्या सिखाना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। देन उसके बाद जो बेल आइकन बटन उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो को जल्दी मिल सके। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।